है कि गाइडलाइंस का लेटर और स्पिरिट में अनुपालन होना चाहिए। सभी ट्रक्स और गुड्स कैरियर्स का इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट अलाउड है, चाहे वो कार्गो एसेंशियल हो या नॉन एसेंशियल। कार्गो मूवमेंट के लिए अलग से कोई भी परमिट या अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। खाली ट्रक्स और गुड कैरियर्स भी अलाउड है, क्योंकि ये गुड्स को पिकअप करने के लिए जाते हैं या गुड्स की डिलीवरी करने के बाद वापस आते हैं। ट्रक में ड्राइवर और उसके साथ एक व्यक्ति परमिटेड है। हमने पत्र में ये भी लिखा कि लोकल अथॉरिटीज़ को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की सक्रियता के साथ उनके घरों से ट्रक की लोकेशन तक जाने में सहयोग देना चाहिए। लॉकडाउन एक्टिविटीज़ के अंतर्गत जो औद्योगिक और व्यावसायिक एक्टिविटीज़ की अनुमति है, उनके वर्कर्स की सरल आवाजाही में भी लोकल अथॉरिटीज़ को सहयोग देना चाहिए। रेलवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और कस्टम्स के अधिकारियों को उनके स्टाफ और कंट्रैक्चुअल लेबर को पास देने के लिए अधिकृत किया गया है। ये सब भी सुनिश्चित करना चाहिए। स्टेट्स और यूटीज को त्वरित गति से उन कंपनीज और संगठनों के वर्कर्स के लिए पास इशू करना चाहिए जो लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शन से एग्जेम्प्ट हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेट्स और यूटीज के बॉर्डरिंग एरियाज में हैं, उनको कोई समस्या ना आए इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एसेंशियल आइटम्स में कार्य कर रहे हैं, जैसे आटा, दाल और एडिबल ऑयल, उनके कार्यों में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वेयर हाउसेस, कोल्ड स्टोरेजेस को भी बाधा रहित तरीके से ऑपरेट करने देना चाहिए, चाहे वे एसेंशियल गुड्स के लिए कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस हो, चाहे अन्य गुड्स के लिए। ये निर्देश हॉटस्पॉट्स और कंटेनमेंट एरियाज को छोड़कर सभी क्षेत्रों पर लागू हैं, और इन सब एक्टिविटीज़ को करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और प्रॉपर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस का कंप्लायंस इंश्योर करना चाहिए। सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ और फील्ड एजेंसीज तक इन गाइडलाइंस की जानकारी पहुँचाए, जिससे कि लोक हित में ये सब परमिटेड एक्टिविटीज़ बाधा रहित और सुचारू रूप से चलती रहें। इन सब मेजर्स से हम इंश्योर कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान एसेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसेज में कोई भी कमी ना आए। धन्यवाद। आई सी हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्लीज़।